स्टूडेंट्स वंदे मातरम इन दिस वीडियो आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू द नाइन चैप्टर्स एंड पार्ट वन ऑफ स्टैंडर्ड फाइव सिंग सॉन्ग ऑफ पीपल सिंग अग मिसाना गाइए ऑफ पीपल मिस के, के लोगों का के लोगों का गाना गाइए एवरीबडी सिम्स टू बी इन सच अरी दीज डे हम जानते हैं कि आज के दिनों में सब लोग जल्दी में होते हैं आई वंडर्ड वाई तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों तो देखते हैं ये एक पोएम है उसे हम समझने की कोशिश करते सिंग अ सॉन्ग ऑफ पीपल वॉकिंग फास्ट और स्लो पीपल इन सिटी अप एंड डाउन दे गो कि लोगों का गाना गाइए कि जो लोग धीरे और जल्दी मतलब फास्ट चलते हैं पीपल इन सिटी जो शहर के लोग होते हैं शहर में जो लोग हैं, अप एंड डाउन देखो वो लोग इधर उधर चलते रहते अप एंड डाउन मीस के ऊपर नीचे वो लोग चलते रहते तो मीस के हमें गाना गाना है तो यहाँ पे बताया गया है कि लोगों का ऐसा गाना गाइए कि जो लोग धीरे चलते फास्ट चलते झड़पी चलते हैं जो शहर में जो लोग हैं, वो लोग अप एंड डाउन वो लोग कैसे चलते ऊपर नीचे मतलब इधर उधर वो लोग चलते रहते हैं पीपल ऑन द साइड वॉक पीपल ऑन द बस पीपल पासिंग पासिंग इन बैक एंड फ्रंट ऑफ बस साइड वॉक के रास्ते की साइड पे हम कहते हैं के लोग जो होते वो साइड रास्ते की जो साइड की जगह है वहाँ पे चलते हैं पीपल ऑन द बस बस पे जो लोग चलते हैं पीपल पासिंग एंड पासिंग इन बैक एंड फ्रॉट ऑफ बस कि हमने देखा है कि लोग इधर उधर चलते रहते हैं मतलब हमारे आगे और पीछे सब जगह पे वो लोग चलते रहते हैं पीपल ऑन द सब्वे अंडर ने द्राउंड पीपल राइडिंग टैक्सीस राउंड एंड राउंड एंड राउंड के लोग सब्वे मीच के हम कहते हैं कि जो एक जगह होती है अंडर ग्राउंड के ऊपर हम कहते हैं न कि जो जहाँ पे एक रास्ता जाता है कि अप, अप जहाँ पे सीलरिया होती है पीपल ऑन द सब वे अंडर ने द्राउंड पीपल राइडिंग टैक्सी राउंड एंड राउंड एंड राउंड सब में मिस के हम कहते हैं टनल जैसा तो लोग टनल पर चलते हैं अंडर ने ग्राउंड नीचे के रास्ते से जो अंडर लाइन होती है ठीक है हम कहते हैं कि जो ब्रिज के नीचे से जो रास्ता जाता है तो अंडर ने ठीक है तो जहाँ पे नीचे रास्ता बना हुआ होता है वहाँ पर वो लोग चलते हैं फिर जो लोग हैं कई लोग ऐसे होते हैं जो टैक्सीज में इधर उधर घूमते रहते हैं पीपल विद देयर हेड्स ऑन गोइंग इन द डोर्स पीपल विथ अम्ब्रेलास वन इट रेन्स एंड पुअर्स के कई लोग होते हैं जो अपने सिर पे टोपी लेके घूमते रहते हैं फिर कई लोग दरवाजे के अंदर जाते हैं कई लोग छाता लेके निकलते निकलते जब ज़्यादातर बारिश होती है तब हमने देखा है कि कई लोग छाता लेके घूमते हैं कि बारिश जब होती है तब पीपल इन टॉल बिल्डिंग एंड इन स्टोर बिलो राइडिंग एलिवेटर्स अप एंड डाउन देखो लोग जो है वो कई बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग होती है उसमें वो लोग जाते हैं कई स्टोर है जो दुकान होती है उसमें वो लोग घूमते रहते फिर एलिवेटर एलिवेटर मीन्स के हम कहते हैं ना जहाँ बड़ी बिल्डिंग होती है तो उसमें लिफ्ट होती है तो लिफ्ट में वो लोग अप एंड डाउन करते ऊपर नीचे वो लोग घूमते रहते उसमें जाते रहते हैं वो लोग तो एलिवेटर मीन्स के लिफ्ट पीपल वॉकिंग सिंगली पीपल इन क्राउड पीपल सेइंग नथिंग पीपल टॉकिंग क्लाउड कई लोग जो होते हैं ना कि अकेले ही घूमते हैं सिंगली ठीक है singly, अकेले ही घूमते और कई लोग ऐसे होते हैं जो भीड़ में ज़्यादातर वो लोग घूमते हैं फिर कई लोग होते हैं जो कुछ भी नहीं बोलते सेइंग नथिंग कुछ भी नहीं बोलते और कई लोग होते हैं जो ज़्यादातर चिल्ला के बोलते हैं टॉकिंग लाउड ठीक है ज़्यादातर चिल्ला के वो लोग बोलते रहते हैं पीपल लाफिंग स्माइलिंग ग्रम्पी पीपल टू पीपल वो जस्ट हरी एंड नेवर लुक एट यू कई लोग ऐसे होते कि जो हंसते रहते ठीक है कोई लोग ऐसे होते कि जो गुस्सा भी करते क्रम्पी कि जो लोग गुस्से में भी होते कई लोग हमने देखे रास्ते पे कई लोग स्माइल करते हंसते रहते रास्ते पे कई लोग गुस्सा भी करते कई लोग जल्दी में भी होते हरी मिच के जल्दी में और वो लोग कभी भी आपके सामने नहीं देखते नेवर लुक ठीक है कि वो लोग ज, जो लोग जल्दी में होते वो लोग कभी भी आपके सामने नहीं देखते हैं सिंग अ सॉन्ग ऑफ पीपल वो लाइक्स टू कम एंड गो सिंग ऑफ सिटी पीपल्स यू सी बट नेवर नो ठीक है कि आप लोगों के लिए गाना गाइए कि जो ऊपर नीचे वो लोग चलते रहते शहर में और इधर उधर जो लोग चलते रहते हैं शहर में उसके लिए आप गाना गाइए सिंग ऑफ सिटी पीपल के जो शहर के लोग हैं उनके लिए गाइए यू सी बट नेवर नो ठीक है see, know, जो लोग आपको देखते हैं पर वो आपको मतलब आप देखते हो पर वो लोग आपको जानते नहीं है ठीक है पहचानते नहीं है तो हमें इस पोएम में बताया गया है कि हमें लोगों के ऊपर गाने गाने के लिए बताया गया है कि कैसे कैसे लोग घूमते हैं कैसे कैसे लोग रास्ते पे हमें मिलते हैं तो उसके बारे में ये पोएम लिखी गई है तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि आज के दिनों में भी हम इसका अनुभव जो है वो हम करते हैं कई बार बाहर घूमने जाते या फिर रास्ते में या कोई बाजार में हम जाते तो हमें ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं जैसे कि हमने इस पोएम में देखा अब देखते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन वन विच मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डू द पीपल यूज टू मूव अराउंड इन द सिटी कि ऐसे कौन से व्हीकल हैं जो लोग शहर में घूमने के लिए यूज़ करते हैं तो कार से टैक्सी से बसी से ट्रेन से ट्राम से रिक्शो एटसेट्रा ठीक है तो ये जो ट्रांसपोर्ट है उसके मतलब उसका सब लोग सिटी में घूमने के लिए यूज़ करते हैं क्वेश्चन टू व्हाट आर द थिंग्स डेट द पीपल कैरी विद देम वाइल मूविंग अराउंड ठीक है two, कौन कौन सी चीज़ें लेके लोग घूमते हैं जब वो लोग शहर घूमने के लिए निकलते हैं या कहीं भी भी जाते हैं तो क्या क्या चीज़ें लेके वो लोग निकलते कि उसके हाथ में मतलब जो चीज़ें लेके घूमते हैं ठीक है तो वो कौन सी है तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वो लोग बैग लेके निकलते हैं ब्रिप केसिस होती है सूट केसेस होती है ठीक तो है तो ये सब चीज़ें वो लोग लेके निकलते हैं वेयर ऑल डू यू फाइंड दिज वेरी बिजी पीपल के आपने ऐसी कौन कौन सी जगह देखी है कि जहाँ पे लोग ज़्यादातर बिजी रहते हैं तो एक तो पीपल ऑन द रोड ऑन बस स्टॉप्स ऑन sidewalk, in इन मार्केट ठीक है कि ये जगह जहाँ पे कि जहाँ पे लोग ज़्यादातर बिजी रहते कि वहाँ पे ज़्यादातर वो लोग काम करते रहते वेयर हैव यू सीन क्राउड ऑफ पीपल कि आपने कहाँ पे ज़्यादातर लोगों का क्राउड देखा है कि हम कहते हैं ना कि ग्रुप देखा होगा कि ज़्यादातर लोगों को देखा होगा जो रेलवे स्टेशन है बस स्टैंड है शॉपिंग मॉल स्टेडियम सिनेमा हॉल फेयर्स एट्सेटेरा ठीक है ये सारी जगह है जहाँ पे हम देख सकते हैं कि ज़्यादातर लोग हमें देखने को मिलते हैं क्वेश्चन फाइव वाई डू यू थिंक ऑल दिस पीपल आर इन हरी क्या आप क्यों ऐसा सोचते हो कि सब लोग जल्दी में होते तो बिकॉज दे हैव टू डू मैनी थिंग्स एंड दे हैव टू गो लॉन्ग डिस्टेंस ठीक है कि वो ज़्यादातर हम सोच सकते हैं कि वो लोग ज़्यादा चीज़ें करना चाहते हैं कुछ ना कुछ करना चाहते हैं या फिर दूर से आते दूर जाना चाहते हैं इसकी वजह से वो जल्दी में होते हैं लेट्स राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स ऑपोजिट वर्ड लिखने यहाँ पे स्लो का होगा फास्ट बैक का फ्रंट बिलो का एबो लाउड का स्लो अप का डाउन टॉल का शॉर्ट क्राउड एलोन गो तो कम क्वेश्चन सेवन द पीपल वो लिव इन सिटी ऑप्टन विच दे कुड लिव इन अ क्वाइट टाउन डू यू लाइक द प्लेस यू लिव इन टेल योर पार्टनर टू थिंग्स यू लाइक एंड डोंट लाइक अबाउट द प्लेस यू लिव इन कि ऐसे मतलब यहाँ पे बताया गया कि क्वाइट टाउन ठीक है कि दे कु लिव इन क्वाइट टाउन के आप शांत जगह पे रहते हो तो ऐसी शहर ऐसा शहर है कि जहाँ पे कई लोग शांत लोग रहते शांत शहर होते तो आपको वहाँ पे रहना पसंद होगा जीना पसंद होगा आपको तो ऐसी आपको दो चीज़ें आपको पार्टनर को अच्छी बतानी है और दो चीज़ें जो आपको पसंद नहीं है वो बतानी है ठीक है तो यहाँ पे आप लिख सकते हो यहाँ पे कि आई लिव इन द मेन सिटी आई लाइक प्लेस वेयर आई लाइव देर इज अ डेवलप्ड पार्क विथ ग्रीन घास एंड टॉल ट्रीज आई गो फॉर अ वर्ल्क ट्रीज देर इज अ स्कूल लाइब्रेरी हॉस्पिटल एंड मार्केट वी हैव ऑल द थिंग्स वी नीड देर इज अ लोकल बस स्टैंड आई कैन गो वेर एवर आई लाइक वाई आई डोंट लाइक हाउ एवर आई हैव टू ट्रैवेल अ लॉन्ग डिस्टेंस फॉर द मेन सिटी रेलवे स्टेशन एसेटेरा तो ये चीज़ें अच्छी हो गई कि आपको बतानी के जहाँ पे आप रहते हो ठीक है कि ऐसी जगह पे कि जहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिलती है तो आपको वो प्लेस आपको पसंद है क्यों तो आप लिख सकते हो कि ऐसी सारी चीज़ें हमें वहाँ पे मिलती है तो हमें पसंद है ठीक है अगर पसंद नहीं है तो ऐसी कौन सी जगह कि जहाँ कि आपको पसंद नहीं आता है तो इट इज़ वेरी नियर टू स्लम एरिया सो देयर इज़ नो प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर ठीक है ऐसी जगह होती है जहाँ पे हमें कुछ मिलता नहीं है कुछ जगह पे तो हमें वैसी चीज़ पसंद नहीं है वहाँ पे वो एरिया हमें पसंद नहीं आता है जहाँ सारी चीज़ें मिलती हैं वो एरिया पसंद आता है और इन शॉर्ट में हम कह सकते कि सारी चीज़ें मिश के कहीं आना जाना हो कुछ ख़रीदने का हो वो चीज़ें हमें अगर इजीली घर के आसपास ही मिल जाती है तो हमें वो एरिया वो टाउन हमें अच्छा लगता है बाकी बहुत दूर जाना पड़ता है आने जाने में कोई दिक्कत होती है तो वैसे प्रॉब्लम आते हैं तो एरिया हमें अच्छा नहीं लगता वो टाउन हमें अच्छे नहीं लगते हैं डिड यू ऑब्जर्व डेड इन द पोएम द लास्ट वर्ड इन एवरी सेकंड एंड फोर्थ लाइन राइम विथ ईच अदर कैन यू राइट अ फोर्थ लाइन पोएम यहाँ पे एक चीज बताई गई है कि आपने पोएम में एक चीज़ ऑब्जर्व की है कि जो लास्ट वर्ड है ठीक है और फोर्थ लाइन उसमें राइम बनी हुई है इच अदर राइम है वो फोर लाइन यहाँ पे आप देख सकते हो ठीक है आई लिव इन अ टॉल बिल्डिंग लाइक अ बर्ड इन अ नेस्ट here आई स्टडी एंड here आई रेस्ट तो आप स्टूडेंट इसमें देख सकते हो कि दूसरी और चौथी जो लाइन है उसका जो लास्ट वर्ड है नेस्ट और रेस्ट तो राइम बना हुआ है यहाँ पे ठीक है कि पीछे आप देख सकते हो ई एस टी ई एस टी दोनों में लगा हुआ है ठीक है नेस्ट और रेस्ट तो उसे हम राइमिंग वर्ड कहते हैं जो हम बोलते हैं तो जब उसके लास्ट वर्ड जो है वो सेम होने चाहिए तो उसको हम राइमिंग वर्ड कहते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेकंड एंड फोर्थ लाइन जो है उसमें राइमिंग वर्ड बताया गया है कि पूरी लाइन जो है वो राइमिंग वर्ड की है तो मतलब लाइक अ बर्ड इन अ नेस्ट एंड हियर आई रेस्ट तो दूसरी और चौथी लाइन जो है उसमें राइमिंग वर्ड दिए गए तो वो हमें ऑब्जर्व करने के लिए बताया गया है क्वेश्चन नाइन फाइंड आउट हाउ मैनी पीपल आर देयर इन आवर कंट्री डू यू हैव एनॉक लैंड फॉर ऑल पीपल ऑन दिस अर्थ इज़ देर एनॉक फूड एंड वाटर फॉर ऑल पीपल कि हमारे देश में कितने लोग है और क्या वो लोग जो है उनके लिए जो ज़मीन है ठीक है हमारे अर्थ पर जो जितनी लैंड ज़मीन है वो उनके लिए काफ़ी है और जो खाना और पानी मिल रहा है वो भी इनफ है उनके लिए तो देर आर मोर देन वन हंड्रेड करोड़ पीपल लिव इन अवर कंट्री कि हमारे देश में वन हंड्रेड करोड़ से ज़्यादा लोग रह रहे हैं और वी डू नॉट हैव है लैंड फॉर ऑल द पीपल्स ऑन द अर्थ देर इज नॉट एनोक फूड एंड वाटर फॉर ऑल द पीपल तो उसके सामने जो लैंड मीन के ज़मीन है फूड खाना है और वाटर मीन के पानी है वो कम है मतलब जितने लोग रह रहे उसके सामने ये तीन चीज कम है तो यहाँ पे बताया गया है क्वेश्चन टेन इंटरव्यू योर टीचर्स एंड गेट हर रिस्पॉन्स फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन कि आपके टीचर आपका इंटरव्यू ले रहे हैं ठीक है तो आपका रिस्पॉन्स क्या होगा तो आपको टीचर जो आपको क्वेश्चन करेंगे उसके आपको आंसर देने वाई डिड यू बिकम अ टीचर क्या आप टीचर क्यों बनना चाहते हो तो आई बिकम अ टीचर बिकॉज आई लाइक टीचिंग मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है इसलिए हाउ डू यू कम टू स्कूल एवरी डे ठीक है तो आप हर रोज़ स्कूल कैसे आते हो तो आई कम टू स्कूल इन ऑटो ठीक है रिक्शा में ऑटो में हम आते हैं डू यू हैव अ पेट क्या आपके पास पालतू जानवर है यस आई हैव अ पेट अगर है तो यस yes, नहीं है तो नो व्हाट काइंड्स ऑफ बुक डू यू लाइक टू रीड आपको कौन कैसी किताबें पढ़ना पसंद है तो आई लाइक टू रीड करंट इवेंट के जो अभी घटनाएं जो होती है उसके बारे में पढ़ना पसंद है व्हाट आर यू योर हॉबीज व्हाट आर योर हॉबीज क्या आपकी हॉबीज कौन सी है तो रीडिंग बुक्स न्यूज़पेपर ट्रैवलिंग सर्फिंग इंटरनेट ठीक है ये सारी हॉबीज़ है और आपकी जो जो हॉबीज़ है वो लिख सकते हो इसमें ये एग्जाम्पल दिया गया पर अगर आपको जो हॉबीज पसंद है वो आप अपने हिसाब से लिख सकते हो क्वेश्चन इलेवन नाउ राइट अ पैराग्राफ अबाउट योर टीचर विद द इन्फॉर्मेशन यू हैव गेदर्ड के आपके टीचर के ऊपर आपको पैराग्राफ लिखना है कि आपने जो इनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन जो है वो एक टिक ही है तो वो आपको लिखनी है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया गया है पर अब अगर आप चाहते हो तो अपने हिसाब से लिख सकते हो इसमें कि माई टीचर से इस सी बिकम अ टीचर बिकॉज शी लाइक टीचिंग शी कम टू स्कूल डेली इन ऑटो शी हैज अ काउ एंड डॉग एज पैट सी इज अ गुड रीडर शी लाइक टू रीड करंट इवेंट हर ऑबी सर रीडिंग ट्रैवलिंग एंड सर्फिंग द इंटरनेट जो हमने यहाँ पे देखा ऊपर का जो क्वेश्चन था उसमें ये जो हमने यहाँ पे क्वेश्चन जो देखे मतलब टेन क्वेश्चन में जो जो क्वेश्चन देखे वो पूरा यहाँ पे पैराग्राफ बना के आंसर दिया गया है ठीक है तो अगर आप टीचर के बारे में कुछ लिखना चाहते हो अपने हिसाब से तो वो लिख सकते हो ये एक एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पर और अगर आप टीचर के बारे में कुछ जानते हो ठीक है अपने टीचर के बारे में तो उसके हिसाब से उनके बारे में आप लिख सकते हो तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हमने देखा एक पोएम लोगों के बारे में और उसके बाद एक्सरसाइज भी हमने समझने की कोशिश की तो आशा रखता हूँ कि आपको इस वीडियो में जो पोएम और एक्सरसाइज समझाई गई है वो समझ में आई होगी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो